अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने ट्रंप को कड़े मुकाबले में हरा दिया। जीत के बाद अपने गृह राज्य डेलावेयर में विल्मिंगटन में लोगों को वो संबोधित कर रहे थे। बाइडेन ने अपनी जीत को ऐतिहासिक बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि 7.4 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकियों ने मुझे वोट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर वो ब्लू या फिर रेड स्टेट नहीं देखते हैं, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखते हैं। बाइडेन ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि जिन लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप को वोट किया था, आज रात उनकी निराशा को समझता हूं। अब एक दूसरे को मौका देते हैं कठोर बयानबाजी को पीछे छोड़कर एक दूसरे को फिर से देखने, एक दूसरे को फिर से सुनने का समय है। और अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई भारतीय मूल की कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिकी मतदाताओं ने लोकतंत्र की अखंडता की रक्षा की है। अमेरिका में नए दिनों का आगाज हो गया है। अमेरिका के लोगों ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है उसके लिए शुक्रिया। आपने आशा, एकता, शिष्टता, विज्ञान और सत्य को चुना है। हमारे पास बेहतर भविष्य के निर्माण की शक्ति है। बाइडेन और हैरिस अगले वर्ष 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।